2021 में सबसे ज़्यादा विजिटर वीज़ाज इशू होने जा रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को ज़रूर देखें, आप जान पाएंगे कि क्यों 2021 में सबसे ज़्यादा विजिटर वीज़ाज इशू होंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। ये जो मेरी वीडियो है ये मेरी ज़ाती राय है, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, बट जो मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इस ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि सिचुएशंस क्या चल रही हैं। दोस्तों हम बात करते हैं कि जितने भी बड़े कंट्रीज़ हैं, स्पेशली USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK और शेंजन एरियाज़, ये जो कंट्रीज़ हैं इनमें बहुत ज़्यादा जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है वो ट्रैवल इंडस्ट्री है। मिसाल के तौर पे जब भी आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो स्टार्ट करते हैं कि आप वहाँ पे एम्बेसी फ़ीस पे करते हैं, तो जितने ज़्यादा लोग एम्बेसी फ़ीस पे करेंगे तो इनडायरेक्टली वो कंट्री के पास आ रहा होगा। सेकेंड नंबर पे जब उसके बाद अगर आपका वीज़ा इशू हो जाता है फिर आप एयरलाइंस के टिकट लेते हैं, बहुत सारी ऐसी एयरलाइंस होती हैं जो कि उस कंट्री की होती हैं, तो उसके ज़रिए जो है वो आप उस कंट्री के अंदर पैसा भेज रहे होते हैं। अगर एक एयरलाइन उस कंट्री की नहीं भी है लेकिन फिर भी जब वो उस कंट्री में एयरपोर्ट पर आके उतरती है तो वो एक टैक्स पे करती है वहाँ पर रुकने का, जो कि इनडायरेक्टली जो कंट्री है उसको सपोर्ट कर रहा होता है। उसके बाद अगर आप वहाँ एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं और आप कोई भी टैक्सी लेते हैं या बस लेते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन जो है उस कंट्री की उसको फ़ायदा हो रहा होता है। उसके बाद आप वहाँ पे जाके किसी होटल में स्टे करते हैं या कहीं पे भी स्टे करते हैं तो वहाँ पे होटल इंडस्ट्री जो उस कंट्री की है उसको फ़ायदा हो रहा होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, आप टैक्सी लेते हैं, आप ड्राइवर कुछ भी करते हैं उस कंट्री के अंदर, एक एक डॉलर अगर आप लगाते हैं तो एट द एंड उस कंट्री को आप बेनिफिट दे रहे होते हैं। तो मींस ये कि विजिट वीज़ा पे मिलियंस नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर्स एक कंट्री के अंदर आते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि 2020 ट्रैवल इंडस्ट्री के हिसाब से कैसा ईयर गुजरा? बहुत ही बुरा ईयर गुजरा। मार्च के अंदर ये पेंडेमिक का सिचुएशन हो गई थी जिसकी वजह से बहुत सारे कंट्रीज़ ने ट्रैवल बैन लगा दिया और अभी तक ट्रैवल बैन चल रहा है। तो इट मींस के जहाँ पे उनके मिलियंस ऑफ विजिटर्स आते थे वहाँ पे वो बात सिर्फ और सिर्फ थाउजेंड्स पे चली गई है, जिसकी वजह से कंट्री और ऊपर से कंट्री डोनेट तो नहीं कह सकते से अपने जो सिटीज़न है उनकी मदद भी कर रहा है, लाइक उनको फैसिलिटीज़ भी दे रहा है, बिजनेस भी डाउन है, जिसका मतलब ये है सादा लफ्ज़ों में कि कंट्री बहुत ज़्यादा जो है वो डाउन में जा रहा है, लॉस में जा रहा है। अब 2021 सबसे बेस्ट ईयर क्यों होने वाला है, उसकी वजह ये है कि एक तो 2020 का कोटा 2021 में चला जाएगा, दूसरे नंबर पे वैक्सीन आ चुकी है जो कि पॉजिटिव न्यूज़ है और हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो गई है जो कि कुछ ही मंथ्स में ये चीज़ों को बैक टू नॉर्मल कर देगी, तो जिसकी वजह से काफ़ी बिजनेसमैन ऑल अराउंड द वर्ल्ड लोग आएंगे और उसके बाद जो है वो लाइक यू नो कोई भी वैक्सीन वगैरह ले सकते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों टू द मेन पॉइंट, ये बाहर सर्दी थी तो मैंने सोचा कि गाड़ी में आ जाता हूँ, गरम गरम बैठ के वीडियो बनाता हूँ। ओके, सो जो 2021 का कोटा था वो 2021 में आ जाएगा, उसके अलावा जो विजिटर्स हैं जो नहीं आ पाए वो 2021 में आएंगे, तो ज्यादा जो है वो कंट्रीज का फोकस होगा कि वो विजिटर वीजाज इशू करें एज कंपेयर टू 2019 या 18 के मुकाबले में। अब क्वेश्चन ये है कि आप इन बड़े कंट्रीज का जिसमें USA, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और UK और शेंजन एरियाज शामिल हैं, इनका वीजा कैसे गेट कर सकते हैं? मैंने अपनी कई वीडियोज में एक्सप्लेन किया है, मैं इसमें रिपीट कर देता हूं, आपको अच्छा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। अगर आपके पास अच्छा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो आप अपने बैंक अपने जो बिजनेस है उसको रजिस्टर्ड करवाइए, आपकी एक छोटी सी शॉप भी है आप उसको भी रजिस्टर्ड करवाएं, उसका भी NTN नंबर लें, उसका भी जो है चैंबर ऑफ कॉमर्स से रजिस्टर्ड करवाएं, उसको भी जो है वो एक कंपनी बना दें। कंपनी बनाने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, यहां पे अगर एक बंदे के पास ट्रक भी है ना अपना तो उसने एक कंपनी बनाई हुई है, ट्रांसपोर्ट की कंपनी है जी, एक ट्रक उसका अपना है और वो भी बैंक से पैसे लेके उसने लिया हुआ है। तो बात करने का मकसद है कि वहां पे लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो आपको ये अवेयरनेस लेकर आनी है, आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना है, अपना
सोर्स ऑफ इनकम स्ट्रांग करना है, बैंक बैलेंस स्ट्रांग करना है चार महीने या छह महीने के लिए, साथ में ट्रैवल हिस्ट्री नहीं की हुई थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री कर लें, प्लस पॉइंट डालेगा। और साथ में उससे जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आपको एक्शन लेना है। मुझे बहुत ज्यादा लोग कॉन्टेक्ट करते हैं यार, जिनमें से 90% लोग तो एलिजिबल नहीं होते, लेकिन मुझे हैरानी होती है उन 10% लोगों पे जो सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद सुकून से बैठ जाते हैं, एक्शन नहीं लेना उन्होंने। वो चाहते हैं कि जी दुनिया से कोई ऐसा मैजिकल पर्सन आ जाए जो उनको कहे कि जी बस आपका वीजा तो 100% आप बस पासपोर्ट दें और अपना वीजा ले लें। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। जब भी आपने वीजा अप्लाई करना है बड़े कंट्रीज का, उसमें एक रिस्क होना है, वो आपको लेना पड़ना है, और उसके बाद जाके वीजा ऑफिसर डिसाइड करेगा कि वेदर वो आपको वीजा इश्यू करता है या नहीं करता। अगर आपके प्रोफाइल अच्छी है, मेरे ख्याल में आप अभी वीजा अप्लाई कर सकते हैं। टाइम ज्यादा लग रहा है, 6 से 7 महीने टाइम लग रहा है जितने भी बड़े कंट्रीज है मोस्टली। तो मुझे लगता है कि जुलाई 2021 तक ये सारी चीजें बैक टू नॉर्मल हो चुकी होंगी। तो अगर आप अभी अप्लाई करेंगे तो जुलाई 2021 को टारगेट करेंगे। तो बाय द वे, अगर आप अपनी फ्री असेसमेंट करवाना चाहते हैं, अगर आप मुझसे कोई भी फ्री एडवाइस लेना चाहते हैं, नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझसे ले सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। और न्यू ईयर आ रहा है, आई होप के 2021 आपकी जिंदगी का सबसे बेस्ट ईयर हो और आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो जो है 2021 में जरूर पूरे हों। थैंक यू सो मच दोस्तों।